ਮਾਧਵੀ ਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ उसके बाद मोटे तौर पे जनता के बीच में जो बातचीत है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त नाराजगी है और नाराजगी इसलिए कि उनके द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने आईआईटी पास किया, आईआरएस का एग्जाम पास किया, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी को छोड़ के 10 साल तक झुग्गियों के अंदर समाज सेवा की हो, मुख्यमंत्री रहते हुए भी लगातार संघर्ष किया हो, लोगों को मुफ्त बिजली दी हो, पानी दिया हो, अस्पताल दिए हो, स्कूल दिए हो, मोहल्ला क्लिनिक दिए हो, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा दी हो, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी हो, ऐसे मुख्यमंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताकत लगा दी। आज लोगों के मन में बहुत नाराजगी है कि एक ईमानदार आदमी के पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार पड़ गई और उस बेचारे को जेल तक लेके गए, और वो आदमी जब जेल से बाहर निकला तो उसने सत्ता का सुख नहीं भोगा, उसने कहा कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कई चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सर सत्ययुग में सुना था भगवान राम ने परिस्थितियोंवश राजगद्दी का त्याग किया था और 14 साल के वनवास पे चले गए थे। अयोध्या की सारी जनता रो रही थी, बिलख रही थी कि राम आप मत जाइए, आप इस सिंहासन पे बैठिए, मगर मर्यादा के कारण, परिस्थितियों के कारण राम उस सिंहासन को छोड़ के चले गए और 14 साल के वनवास पे रहे। और उनके पीछे जिसको वो सिंहासन मिला, भरत उनके भाई, वो भी उनके खड़ाव रख के इंतजार करते रहे कि राम वापस आएंगे तो अपना जो है काम संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल राम नहीं है, राम तो भगवान थे, भगवान राम के भक्त हनुमान और हनुमान के भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो तो राम से तुलना नहीं की जा सकती। मगर जिस मर्यादा के नाम पे सत्ययुग में भगवान राम ने अपना सिंहासन छोड़ा था, आज ऐसा उदाहरण दिख रहा है कि एक मर्यादा के नाम पे, एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ जी, कल सीएम ने ये भी कहा था कि वो और मनीष दोनों में से कोई सीएम नहीं बनेंगे नेक्स्ट सीएम, लेकिन नेक्स्ट सीएम कौन होंगे इसको लेके बहुत चर्चा है। कम से कम इतना बता दीजिए जो कैबिनेट में आप लोग हैं उन्हीं में से होंगे या कोई और नया चेहरा होगा क्या कुछ?